आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें जन लोकपाल बिल, स्वराज बिल, घर घर राशन की डिलीवरी, स्कूल पाठ्यक्रम में देशभक्ति की पढ़ाई और 24 घंटे बाजार खुले रहने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 28 बड़े वादे किए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब देश में अच्छा इलाज, सुरक्षा, हर किसी को पानी, खाना मिल पाएगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। पहला माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी किया गया एक गारंटी कार्ड, जिसमें केजरीवाल की 10 गारंटी आज दिल्ली उन सब के बारे में बात कर रही है, वो भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और दूसरा, कुछ विस्तृत कामों की सूची है जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें, और साथ साथ पूरी दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने पूरे चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़कड़डूमा के सीबीटी ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन सिर्फ एक योग नहीं बल्कि ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। दिल्ली में चुनाव प्रचार में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली जनसभा जंगपुरा में होगी, जबकि शाम 6 बजे राहुल गांधी संगम विहार में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। संगम विहार में उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग ने कल दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित गहन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल और नकदी, शराब, हथियार और समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर नजर रखने के बारे में भी बैठक में विचार किया गया। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के संबंधित अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को बिना नकद भुगतान किए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा है।